नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देंगे कि इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां सीएम ने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत को 19 पदक दिलाने वाले 17 खिलाड़ियों और प्रदेश की ओर से इन खेलों में शामिल होने वाले 6 पैरा खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि पूर्व मेरठ के सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में मंच पर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आगाज हुआ। योगासन के साथ रामायण का पाठ भी किया गया। इसी के साथ व्यवस्था व सुरक्षा के साथ मंच पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के भी विशेष तैयारियां देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और सीधा हमला बोला है। कैराना के पलायन मुद्दे पर सीएम योगी को घेरते हुए कहा, अगर बाबा मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड से पलायन न किया होता तो आज यूपी के 5 साल बर्बाद ना हुए होते। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा, अभी आए थे बाबा मुख्यमंत्री आए थे, कम से कम उन्हें अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। उन्होंने रोजगार, किसानों के मुद्दे, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। जो सरकार है उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है, अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 22 जो 22 अगली साल है जो 22 अगली साल होने वाली है, किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, कोई रोक नहीं सकता। अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं, समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ रही है लोगों को। जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को वापस नहीं ले ले। इन काले कानूनों को लागू होने से क्या किसानों का भला हो जाएगा? क्या काले कानून जो लागू हो रहे हैं हमारे किसानों का भला नहीं होगा? उनसे बहुत दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक की है। बताएं मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में कहीं भी पुलिस किसी की हत्या कर रही हो तो बताओ। और एक उदाहरण नहीं, हम कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के दे सकते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कौन भूल जाएगा गोरखपुर, एक व्यापारी अपने साथियों के साथ कारोबार और गोरखपुर को घूमने गया था। उसे नहीं पता था कि गोरखपुर में क्या हो जाएगा उसके साथ। एक व्यापारी कानपुर का अपने कारोबार की लेकर के और गोरखपुर को देखने गया, रात में पुलिस आई उसके कमरे में पूछताछ के बहाने इतना मारा कि उस व्यापारी की वहीं जान चली गई। जब आज आपके बीच में आया हूं तो कल की घटना भी सोच लो, एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा है थाने में, पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने के लिए। ये दो घटनाएं नहीं, अगर आंकड़े देखें मुख्यमंत्री जी, हम तो सोचते थे कि आपके पास तो बड़े जानकार लोग हैं, आप तो हर चीज में नजर रखते हो। कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा मंगवाना, कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डाटा मंगवाना,
कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। तो सूबे में सियासत चरम पर है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अपने क्षेत्र में विकास न होने का आरोप लगाकर सपा विधायक राकेश प्रताप अनशन पर बैठे थे। अब राकेश प्रताप ने अखिलेश यादव के आग्रह पर अपना अनशन खत्म कर दिया है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत करी, सुनिए। इस समय मौजूद है अमेठी जनपद के गौरी विधानसभा क्षेत्र, जहां पे सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह जी हैं और वो बीते दिनों अनशन पर थे, जो अपने विधानसभा क्षेत्र के दो सड़कों को लेकर, वो सड़क नहीं बनी ना कि उनकी मांगे पूरी हुई। आज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि तो उनका क्या सिस्टम है। ये फर्क जनता बना रही है, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, जनता के आह्वान पे यहाँ आया हूँ। ये लगातार 3.5 साल से इन फड़कों पे गड्ढा है और जून और नवंबर तक इन दोनों फड़कों को 21 तक मरम्मत करके रखना ठेकेदार और विभाग की जिम्मेदारी थी। दोनों ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, तो मैंने इसको सदन में उठाया, फड़क पे कहा, अधिकारी से कहा, मंत्री से कहा, समिति में उठाया, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया, अनशन किया, आमरण अनशन किया, और मेरा हाथ बांधकर, पैर बांधकर, डिप लगा के अनशन तोड़वाने का प्रयास किया गया, फिर भी नहीं तोड़ा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आग्रह पे मैंने अपना आमरण अनशन तोड़ा और जनता ने फोन करके ये अनुरोध किया कि अब आप आइए, फड़क हम स्वयं बना लेंगे। तो आज मैं जनता के बीच में आया हूँ, फड़क जनता स्वयं बना रही है, जनता का सहयोग, जनता के बीच में रहना मेरा दायित्व है, जनता ने ही मुझे चुनकर दो दो बार विधानसभा भेजने का काम किया है। आप थे हमारे साथ सभा विधायक राकेश प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ साफ बताया है कि अमेठी की जनता जो है विधानसभा क्षेत्र के जो लोग अपने संविधान से बना रहे हैं। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। अमेठी से निकलिए, कासगंज चलिए। कासगंज एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह है पुलिस कस्टडी में अल्ताफ नामक युवक की मौत। इस पूरे माजरे में पूरे प्रदेश का सियासी पारा हाई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पुलिस की कहानी ने इस पूरे मामले को अनूठा एंगल दिया हुआ है। पुलिस का तर्क क्या है, थ्योरी क्या है, क्या अल्ताफ ने जैकेट की टोपी यानी कि हुड जो होती है उसकी डोरी से फंदा लगाया और बाथरूम का नल जिसकी जो ऊंचाई है जमीन से मात्र 2.5 फीट, सोचिए 2.5 फीट के नल से 5 फुट 6 इंच का आदमी जैकेट के हुडी से फांसी लगाकर मर गया, ये पुलिस की थ्योरी है। तो वहीं दूसरी तरफ सियासी तूफान बड़ा होने से पहले ही 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन पुलिस सवालों के घेरे से बच नहीं सकती, सवाल अभी भी यथावत है। दरअसल अल्ताफ के घर में टाइल लग रहा था, इस दौरान उसे घर पर एक नाबालिग लड़की लापता होने के मामले में पुलिस उठा ले गई। लड़की के परिवार वालों ने शक जताया कि अल्ताफ लड़की को भगा ले गया है। ध्यान दीजिए, शक की बिना पर अल्ताफ को उठाया गया, थाने में बंद रखा गया, 2.5 फीट के नल से 5 फीट 6 इंच का आदमी लटक कर मर गया। बोल दिया था मीडिया वालों को, मुझे मालूम हुआ, मैंने डॉक्टरों से मालूम करी तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा ली है। जो मैंने उसको देखने के बावजूद भी मैंने फिर उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने लाए, इलाज भी कराया, वो आखिरकार नहीं बचा, उन्होंने मेरे साथ में अच्छा भी बता दिया। जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोक नगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है, 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। कासगंज की सदर कोतवाली में पुलिस अभिरक्षा में हुई युवक की मौत के बाद जनपद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, होनी भी चाहिए। बीती सुबह से ही मृतक युवक के घर राजनीतिक पार्टियां पहुंचना शुरू हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें अल्ताफ के परिजनों से मिलने नहीं दिया है, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम के नेतृत्व में एक डेलीगेशन देर रात पीड़ित परिजनों के घर पहुंचा था। रात ज्यादा होने की वजह से कांग्रेस डेलीगेशन मृतक के परिजनों से मिल नहीं सका है।
वहीं राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देर रात होने की वजह से पुलिस कर्मियों ने परिजनों से मिलने नहीं दिया। को लेकर के जो पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से पुलिस के कस्टडी में उसकी हत्या हुई है, इसकी न्याय की जांच के साथ साथ हम लोग ये मांग करते हैं कि उनके परिवार को, उनके सभी लोगों को इंसाफ मिले। और इस तरह की घटना लगातार इस प्रदेश में अलग अलग, चाहे किसान वर्ग के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे दलित वर्ग के साथ हो, ऐसे लगातार हुई है। तो जहां हम लोग इसकी निंदा करते हैं, जहां हम लोग इसकी खेद व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ इस सरकार को ये चिताना भी चाहते हैं कि इसके इंसाफ के लिए, इस अल्ताफ और उसके परिवार के इंसाफ के लिए हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। तो वहीं इस घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि कासगंज में पुलिस कस्टडी में एक और युवक की मौत अति दुखद और शर्मनाक है। सरकार घटना की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दे और पीड़ित परिवार की मदद भी करे। यूपी सरकार आए दिन कस्टडी में मौत रोकने और पुलिस को जनता की रक्षक बनाने में विफल साबित हो रही है, यह अति चिंताजनक बात है। चलिए शिव प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर। शिव प्रताप, क्या कुछ अपडेट है ग्राम जीरो से, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जानकारी के बिना पोस्टमार्टम करके युवक की जो लाश है वो दी गई उन्हें। जी मैम, ये जो यहाँ तक देखा जाए तो वहां तक जो आज सुबह का घटनाक्रम रहा है, आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी के जो तौकीर आलम जी है वो भी आए, और जो प्रदेश प्रभारी है हरियाणा प्रदेश के विवेक बंसल जी वो भी यहाँ पर आकर परिजनों से मिलने का सिलसिला जारी है। और उन्होंने पूरी जो अपनी कांग्रेस पार्टी की जो पूरी वो है सहायता देने के लिए, जो उनकी तरफ से जो उचित सहायता दी पुलिस की तरफ से कोई जवाबदारी शिव प्रताप सुनिश्चित हुई है क्या? क्योंकि पोस्टमार्टम परिजनों की सहमति के बिना कर दिया गया, डेड बॉडी दिखाई भी नहीं गई उनको। नहीं, उनकी जो परिजनों का कहना है, कल एक लिखित जारी हुआ, उसमें जो मृतक के जो पिता थे चांद मियां, उन्होंने एक लिखित रूप से लेटर जारी किया कि उनकी जो बेटे की मौत हुई है वो उसने आत्महत्या की है। लेकिन आज उन्होंने जो अपना वर्जन दिया है, जो अपनी बात कही है, उसमें उन्होंने ये कहा कि पुलिस जो कर्मी, पुलिस अधिकारी हैं, डीएम हैं और जो सीओ हैं, उन्होंने दबाव में आकर वो लेटर लिखवाया था। हालांकि पुलिस की जो जांच है, जो पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें हैंगिंग जो लटकना पाया गया है, गले पे निशान भी बताए गए हैं उसमें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद खास बात शिव प्रताप ने यहाँ पर बताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से ये पूरी थ्योरी गढ़ी गई है। सोचिए, ढाई फीट के नल से कैसे 5 फुट से ज्यादा की कदकाठी का व्यक्ति कैसे लटक सकता है? पिता से कहा गया कि उसकी जो मानसिक परिस्थिति है वो ठीक नहीं है, यह आप एक कागज पर लिख दीजिए। कागज पर लिख दिया, पिता ने हस्ताक्षर कर दिए, बाद में बयान बदला, कहा पुलिस ने जबरदस्ती लिखवाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात देवभूमि की करते हैं, और खबर जो है वो देहरादून से आ रही है, बड़ी खबर है। सीएम धामी ने लोक पर्व इगास की छुट्टी घोषित की है। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। इगास की छुट्टी को लेकर लगातार उठ रही थी मांग, दिवाली के 10 दिन बाद आता है इगास का त्योहार, तो इगास के लिए छुट्टी का ऐलान हुआ है। दिवाली के 10 दिन बाद आता है ये त्योहार, बेहद खास होता है, लोक पर्व है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर आज कांग्रेस ने हल्द्वानी में विजय संकल्प जनसभा आयोजित की। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदिया, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा सहित तमाम दिग्गज एक मंच पर नजर आए हैं। एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, अगर राज्य सरकार ने जो 3200 सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा कर लिया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नेता यशपाल आर्य और निवर्तमान विधायक संजीव आर्य का स्वागत भी इस दौरान देखने को मिला।
मैं बहुत विनम्रता से उनके इस सहयोग के लिए आभारी हूं उनका कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी हमारे भाइयों ने बहनों ने बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचकर एक हजूम जो उमड़ पड़ा ये दर्शाता है कि 2022 में कांग्रेस की ओर लोग उम्मीद से देख रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार की स्थापना उनके हितों के लिए करेंगे। तो कहते हैं कि जनता का हित और जनता का मूड पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बताते हैं, खुद जनता बताती है। और जनता क्या चाहती है, क्या सोच रही है, इसकी जानकारी के लिए योगेश शर्मा हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? हुजूम बहुत ज्यादा था, मंच पर एकता भी नजर आई, लेकिन क्या ये एकता जनता को रास आई है? देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात है कांग्रेस ने आज विजय संकल्प जनसभा जो हल्द्वानी की, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस की एकजुटता आज नजर आई। साफ तौर पर सभी नेता यहाँ एकजुट दिखे और हरी भीड़ यहाँ दिखी, क्योंकि आज पूर्व कैबिनेट मंत्री जो भाजपा से कांग्रेस में आए यशपाल आर्य और संजीव आर्य का यहाँ पे एक बड़ा स्वागत कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा हरीश रावत ने बड़ी एक हुकार आज हल्द्वानी से भरी है, चुनावी बिगुल फूका है 2022 के चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अगर बता दे कि 4 साल में अगर उन्होंने 3200 लोगों को भी नौकरी दी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। तो आज की बड़ी खबर यही है कि कहीं ना कहीं चुनौती उन्होंने भाजपा सरकार को हरीश रावत ने आज दी है। ठीक है योगेश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि मंच पर तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन यशपाल आर्य का जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता कांग्रेस के विरोध कर रहे हैं, उसका क्या ऑपोजिट सिनेरियो इस दौरान देखने को मिला स्वागत समारोह के दौरान उनके? देखिए, स्वागत समारोह में यशपाल आर्य के सभी लोग मौजूद रहे, चाहे वो नैनीताल से हो, भाजपुर से हो, तराई से लेके पहाड़ तक हर जगह के लोग दिखे। आज कहीं किसी तरह का विरोध कांग्रेस में नहीं दिखा, एकजुटता दिखी, ना बयानों में विरोध दिखा, सब एकजुट होके एक मंच पर नजर आए। सबका लक्ष्य कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी, इसी पर पूरी आज की कार्यक्रम का जोर रहा। ठीक है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मंच से जवाब है बीजेपी को और तमाम विपक्षियों को कि निशाना बहुत साध लिया एकता पर, अब एकता का भी ट्रेलर देख लीजिए? जी, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प यहाँ पर कांग्रेस ने लिया है। आज हुकार भरी है, चाहे वो गणेश गोदियाल हो, देवेंद्र यादव हो, प्रीतम सिंह हो, हरीश रावत हो, या खुद यशपाल आर्य, क्योंकि यशपाल आर्य 4 साल तक सरकार में मंत्री रहे और अब वो भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 साल तक जिन कामों के लिए, जिन विकास कार्यों के लिए मैं वहां था, एक भी विकास कार्य नहीं किए गए, चाहे किसानों के मामले में, चलिए ठीक है, आए दुगनी करते हैं, कोई काम नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड राज्य हमेशा से ही डॉक्टरों की कमी से जूझता रहा है, जूझना पड़ता भी है। समय समय पर सरकारों ने कोशिशें भी की, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों को भेजने में असमर्थ रहे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भी कहीं डॉक्टर मिले हैं, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग की है तो कुछ डॉक्टर आज भी मनमानी कर रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 78 डॉक्टरों का ट्रांसफर किया। धन सिंह रावत ने कहा कि अगर सरकारी सेवाओं में रहना होगा तो पहाड़ों में अपनी सेवाएं देनी होगी और जो डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ेंगे उन पर विभागीय कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने कई डॉक्टरों को ट्रांसफर किया था। मैंने कह दिया कि जिसको भी नौकरी करनी होगी उसको, जहां उसका ट्रांसफर हुआ है उसको जाना पड़ेगा, और नहीं जाएंगे तो विभागीय स्तर पे सब कुछ किया जाएगा। कल ही हमने 78 डॉक्टरों की नियुक्तियां करके सबको 100% पहाड़ भेजा है, और ये पहली सरकार हमारी जहां की हर हॉस्पिटल में पर्याप्त डॉक्टर हमने भेजे हैं। जितने भी डॉक्टरों के प्रमोशन हुए हैं, जो ईडी बने हैं, जेडी बने हैं, सीएमओ बने हैं, या जिनको जो है पहाड़ भेजा गया है, देखो उनको अगर नौकरी करनी है तो सबको जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो इस दौरान मंत्री जी एक जवाब देना भूल गए, वो जवाब ये था कि जो पहले की नियुक्तियां हुई हैं उनकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है। इसका क्या जवाब है? नई नियुक्तियों की ज्वाइनिंग भी शायद सरकार बदलते बदलते हो जाए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत और अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। नमस्कार।